98% people in this world, they don't want to take risk, but they want to rise, which is impossible. अगर आप हिमालय पर चढ़ना चाहते हैं माउंट एवरेस्ट पे, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एवलॉन्चेस, बर्फीले तूफान, हो सकता आप लौट के ना आए, खत्म। आप कह रहे साहब हमें रिस्क नहीं लेना, तो आप अरावली पे चढ़ जाइए, 10 मिनट में ऊपर, 15 मिनट में नीचे। अगर आप हारने से डरते हैं तो फिर खेलिए मत, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट हैं, विक्ट्री एंड लॉस, ऐसा कुछ होता नहीं। और बड़े गेम का फायदा यह है कि लॉस जैसी कोई चीज ही नहीं होती, आप हारते ही नहीं, आप सिर्फ सीखते हैं। वेन एवर यू वॉन्ट टू राइज, वेन एवर, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत यह है कि यू शुड बी रेडी टू टेक द रिस्क। और अगर आप हारे तो सजा मिलेगी। आप कहते साहब मुझे खतरा नहीं लेना, साहब स्ट्रेस नहीं लेना, आई डोंट वॉन्ट टू टेक स्ट्रेस। सर अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना, जिसको भी नहीं लेना, बोले मैं तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब धौले साहब 26/11 में महाराष्ट्र मुंबई में थे, आप समझ सकते हैं इनकी मेंटल स्थिति। लोग भाग रहे हैं, किलिंग हो रही है, पर ये नहीं भाग सकते थे। ही वॉज एन ऑफिसर, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ दैट एरिया। इनका ड्राइवर भाग सकता था कि साहब हम जा रहे हैं, साहब आप देख लो। जितने लोगों को तनाव नहीं चाहिए, चुनौतियां, और जहां चैलेंज है वहां तनाव है। मेरे एक साहब ने मुझसे आकर कहा सर मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। हाँ मैंने कहा तो ठीक है, अच्छी है, मत ले, चपरासी बन जा। चपरासी कोई स्ट्रेस नहीं, डीएम का चपरासी बाहर बैठा हुआ, कैप अप लगा के चंदन न लगाया। एनीवन हु कम्स टू मीट डीएम विल एंटरटेन हिम। जो भी मिलने साहब से आएगा 500 रुपए दे देगा कि देखो साहब क्या कर रहे हैं। ही विल गो इनसाइड, डू सम वर्क एंड कम आउटसाइड, कि साहब तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देख रहे। और अगर 10 लोग डीएम साहब से मिलने आए तो 5,000 रुपए पर डे चपरासी, 1,50,000 पर मंथ, 1,50,000 और 30,000 सैलरी, 1,80,000। सर कोई स्ट्रेस ही नहीं सर,